हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्टानाइस अधिष्टानस का स्वागत है 1.5 ईयर करंट सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 52 जिसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे अब देखिए ये सीरीज सिर्फ वीडियो लेक्चर की सीरीज नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दिस थिंग ये सीरीज जो है ये एक तरह से आपकी कंप्लीट सीरीज है जिसके अंदर वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल रहे हैं कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है अलग अलग शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू ट्रिक्स भी आप इसके अंदर समझ सकते हैं प्लस वन ईयर करंट अफेयर्स की एक बुकलेट हमने लॉन्च कर दी है इसका पार्ट वन हम लॉन्च कर दिए जिसमें 200 प्लस है 200 प्लस टॉपिक्स है कि बच्चे को एक बार ही पढ़े और उसको समझ में आ जाए वैसे हमने इसके अंदर कुछ बताया गया है ठीक है आइए ये सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं एस्ट्रॉयड बेनू हम सबसे पहले पढ़ते हैं एस्ट्रॉइड का मतलब क्या होता है एस्ट्रॉइड का मतलब होता है उल्का पिंड अब देखो का मतलब यह है एस्ट्रोयड का मतलब कि मतलब बिलियन साल पहले Approximately फोर प्लस बिलियन ईयर्स ago, ठीक है जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तो कुछ तो प्लेनेट्स बन गए ठीक है ना जैसे हमारे यहाँ पर प्लेनेट्स दिखते हैं ठीक है थीके? कुछ प्लेनेट्स बन गए कुछ थोड़े से रेमिनेंट्स रह गए उसके ठीक है बचे कुचे प्लेनेट्स जिनको इनको, इनको एस्ट्रॉइड्स को माइनर प्लेनेट भी बोलते हैं बच्चों माइनर प्लैनेट छोटे प्लेट्स ठीक है बचे हुए प्लेट्स रह गए जो कि मार्स और जुपिटर की जो बेल्ट है ना मार्स और जुपिटर के बीच के जो एरिया है उसमें बहुत सारे पाए जाते हैं मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स यहाँ पर पाया जाते हैं ऐसे बोला जाता है एक से लेकर नौ मिलियन तक एस्ट्रॉयड मार्स और जुपिटर की बेल्ट के अंदर है ये मार्स और जुपिटर की बेल्ट के अंदर जुपिटर की बेल्ट के अंदर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं ठीक है तो एस्ट्रॉयड समझ में आ गया कि सोलर सिस्टम बना था तो कुछ तो प्लेनेट बन गए कुछ प्लेनेट बनते बनते रह गए ठीक है माइनर प्लेनेट्स जिनको अपन बोल रहे हैं वो एस्ट्रॉयड है वो अभी तक घूम ही रहे हैं किसके अंदर स्पेस के अंदर मार्स और जुपिटर के बीच में सबसे ज्यादा एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं दैट्स मार्स और जुपिटर के बीच वाली बेल्ट को एस्ट्रॉयड बेल्ट भी बोला जाता है

अच्छा हुआ सर हमको लगा कले आके नीचे गिर जाएगा कहीं बेनू पर बेनु आ आने वाले समय में नीचे गिरेगा ठीक है पर अभी हमसे 200 हंड्रेड मिलियंस माइल्स अवे है हमसे और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में जैसे 20 ट्वेंटी वन सेवेंटी फाइव या ट्वेंटी वन नाइन्टीन ईयर के अंदर यहाँ पर ही गिरेगा मतलब अभी चल रहा है दो तो बाईसवीं शताब्दी के अंदर इसके और इसके बीच में ठीक है टू वन नाइन नाइन के बीच में कभी आके अर्थ के ऊपर गिरेगा माय गॉड सर गिरेगा तब देख लेंगे अभी क्या है एस्ट्रॉइड बेनू के बारे में हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं राइट द एस्ट्रॉयड वॉज डिस्कवर्ड बाई टीम फ्रॉम द नासा फंडेड लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉइड रिसर्च टीम इन द 1999, 1999 के अंदर इसको क्या करा गया इसको यहाँ पर इस तरह से देखा गया ये नियर अर्थ ऑर्बिट के अंदर है है ना अब नियर अर्थ ऑर्बिट क्या होता है ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ पहले इस एस्ट्रॉइड बेनू के बारे में और थोड़ी हम बात कर लें देखो ये बी टाइप एस्ट्रॉइड है बी टाइप मतलब क्या है सर ये बी टाइप मतलब ये है कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन जो है ना एंड वेरियस अदर मैंजमेंट ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है है ना बहुत सारे होते हैं बी टाइप सी टाइप ठीक है एक साथ कभी इनको बैठकर मैं आपको समझा दूंगा ये एस्ट्रॉइड के कितने टाइप्स होते हैं ना या फिर एक शॉर्ट वीडियो इसके अंदर बना देंगे अपन ठीक है तो अभी ये देखो बेनू बी फॉर बेनू बी फॉर बी टाइप ऐसे याद कर लोगे और बी टाइप का मतलब जिसके अंदर कार्बन और अदर मिनरल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं ठीक है बिकॉज ऑफ अब देखो इसके अंदर बी टाइप है तो हाई कार्बन कंटेंट है इसके अंदर ये क्या करता है अप्रोक्सीमेटली फोर परसेंट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है ठीक है जो लाइट आ रही है जैसे मान लीजिए इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो नाइनटी सिक्स परसेंट लाइट तो ऑब्जॉर्व कर लेगा और फोर परसेंट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा ठीक है अब ये बहुत कम है 96 परसेंट लाइट एब्जॉर्ब हो गई और सिर्फ चार प्रतिशत लाइट यहाँ पर क्या कर रहा है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इसको अगर तुम वैसे देखो अर्थ के रेस्पेक्ट में देखो तो अर्थ जो है ना थर्टी परसेंट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है अर्थ थर्टी परसेंट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है है ना सेवेंटी परसेंट इसके अंदर रह जाता है जबकि एस्ट्रॉयड बेनू जो है वो क्या कर रहा है नाइन्टी तो अपने अंदर रख रहा है और चार जो है उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है है ना तो आप यहाँ पर देखो बिकॉज ऑफ इट्स हाई कार्बन कंटेंट बिकॉज कार्बन कंटेंट बहुत हाई है इट रिफ्लेक्ट अबाउट फोर परसेंट ऑफ़ द लाइट दैट हिट्स इट विच इज़ वेरी लो वैन कंपेयर विद द अदर प्लेनेट लाइक वीनस विच इज रिफ्लेक्ट्स अबाउट सिक्सटी फाइव वीनस जो होता है सिक्सटी फाइव परसेंट तक लाइट को क्या करता है रिफ्लेक्ट कर देता है जबकि ये जो है क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है क्योंकि ये बी टाइप का एस्ट्रॉयड है इसलिए क्या है इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर परसेंट लाइट को ही ये रिफ्लेक्ट करता है देखो अर्थ रिफ्लेक्ट करता है अप्रोक्सीमेटली थर्टी परसेंट कभी ये क्वेश्चन आ जाए वैसे आएगा नहीं पर मैंने रिलेटिव कंपेरेटिवली एनालिसिस करने के लिए आपको बता दिया ठीक है चलो भाई अब एस्ट्रॉयड अगर बेनू के अंदर देखिए ना बेनू भाई तेरे अंदर क्या है है ना कि तेरे अंदर अगर हम जैसे अर्थ के अंदर आप देखेंगे मेंटल क्रस्ट मेंटल कोर है ठीक है इसी तरह से बेनू के अंदर जाकर देखेंगे तो ट्वेंटी से फोर्टी परसेंट बेनू के अंदर कुछ भी नहीं है एम्पिटी स्पेस है ओहो एम्पटी स्पेस है समझ में आ रहा है और साइंटिस्ट का ही मानना है कि ये जो है ना टेन मिलियन ईयर हो ये सोलर सिस्टम जब फॉर्मेशन था तो यहाँ पर इस तरह तब ये कभी बना हुआ है ठीक है तो इसका ऐसा बना जाता है देखिए अराउंड ट्वेंटी से फोर्टी परसेंट ऑफ बेनू इंटीरियर्स इज एमपटी स्पेस साइंटिस्ट बिलीव दैट इज द फर्स्ट टेन मिलियन ईयर्स ऑफ द सोलर सिस्टम्स फॉर्मेशन ठीक है पहले आ, दस साल के अंदर बन गया था इम्पलाइंगिटीफाइड इज नियर अर्थ ऑर्बिट माइट स्ट्राइक द अर्थ इन ट्वेंटी सेकंड सेंचुरी नेक्स्ट सेंचुरी में आकर बिड़ेगा बिटवीन टू वन सेवन फाइव एंड टू वन नाइन नाइन के बीच में कभी आकर बिड़ेगा तो नियर अर्थ ऑर्बिट के अंदर यह नियर अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या होता है अब ये समझ लो नियर अर्थ ऑर्बिट के अंदर वो धूमकेतु या वो उल्का पेंट्स ठीक है जो कि नियर बाय प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन में आ जाते हैं अब इसका मतलब क्या है ये समझो कि अब देखो अर्थ है अर्थ का है अर्थ का, का ग्रेविटी लग रहा है ठीक है कोई भी आ, बॉल ऊपर उछाल तो नीचे आएगी ठीक है है ना जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल एप्पल गिरा था तो उसका दिमाग चल गया उसने बोला एप्पल सर पे क्यों गिरा ऊपर क्यों नहीं गया ठीक है तो उसको लगा कि कुछ अट्रैक्शन फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ की तरफ अब कोई भी अर्थ की ग्रेविटी के अब ऐसा तो नहीं है कि भाई बहुत दूर स्पेस के अंदर भी अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स किसी एक पॉइंट तक ही लगता होगा अब मान लीजिए ये रेंज है इसके अंदर कोई भी आ गया ना तो अर्थ ये अर्थ है अर्थ इसको खींच लेगी मान लो ये है इसकी रेंज के अंदर है ना ये वाला ऊपर वाला जो है उसके रेंज के अंदर है जस्ट अ सेकंड यस ये वाला तो ये इसको अर्थ खींच लेगी पर इसको नहीं खींच पाएगी ठीक है तो नियर अर्थ ऑर्बिट क्या होता है एंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ नियर बाई प्लेनेट्स इन टू द इन टू ऑर्बिट्स विच अलाउ देम तो टू इन टू द अर्थ नेबरहुड ठीक है आस पास कोई भी जो आ, नियर बाई प्लेनेट्स है वो उसको खींच रहे हैं खींच के खींच के वो हो सकता है कि उस रेंज में आ जाए जो कि अर्थ का ऑर्बिट है उसकी रेंज में आ जाए ठीक है थीके? अर्थ के जो ग्रेविटेशनल ऑर्बिट है उसकी रेंज में आ जाए तो अगर उसकी रेंज में आ गया तो भैया वो नीचे आएगा फिर और ऐसा माना जा रहा है कि हाँ एक अप्रॉक्सीमेशन है कि ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी वन सेवन फाइव या ट्वेंटी वन नाइन्टी नाइन के अंदर ये अर्थ पाके बढ़ाव से गिरेगा ठीक है फिर कोई क्रेटर वेटर बनेगा फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा यू पी एस सी के अंदर उस समय करंट अफेयर्स में राइट तो टाइप हम कह रहे हैं ए स्मॉल नियर अर्थ कार्बन रिच एस्ट्रॉयड जो कि बी टाइप एस्ट्रॉयड एज अराउंड फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर ओल्ड ठीक है भाई कंपोजिशन एस्टैब्लिश विद विद इन टेन मिलियन ईयर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम जो कि खुद अगर ये देखे फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर अगो ये बना था क्लोज एनकाउंटर्स कम्स वेरी क्लोज टू द अर्थ एवरी सिक्स हर छः साल के अंदर काफ़ी पास में आ जाता है अर्थ का तो आई होप एस्ट्रॉयड बेनू इज क्लियर टू क्लियर टू एवरी वन चलिए नेक्स्ट इज प्लेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये भाई साहब हमेशा न्यूज़ में रहेंगे चार पांच साल तो कहीं नहीं जाने वाले ये करंट अफेयर्स में रहेंगे ठीक है कोई भी होता है जैसे राम जन्मभूमि वाला केस हुआ तो पहले ऐसे बोलते थे कि यहाँ पर मंदिर था मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दी और मस्जिद को फिर तोड़ के वापस मंदिर बना दिया है इसी तरह से अब आप देखेंगे दूसरा केस भी है कृष्ण जन्मभूमि का केस भी है उसमें भी बोलते हैं कि भाई आ, यहाँ पे पहले आ, मंदिर था मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी अब म, 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 मस्जिद को तोड़ के फिर वापस मंदिर बने पहले जब स्टार्टिंग में ये जो चीज़ें उठी थी ना उन, आ, जब बीजेपी की गौर बीजेपी के पार्टी ने ठीक है जिसमें लाल आडवाणी अडवाणी तो फ्रंट रनर थे उस वक्त उन्होंने क्या करा था एक रथ यात्रा निकाली थी है ना अयोध्या रथ अयोध्या के अंदर रथ यात्रा निकाली थी देश के अंदर रथ यात्रा निकाली थी अब जब ये रथ यात्रा निकली थी ना तो देश के अंदर बहुत मोबालाइजेशन हो रहा था कि भाई ये मंदिर जो था पहले मस्जिद था मस्जिद था वो पहले मंदिर था ऐसे ऐसे बातें हो रही थी तो फिर लोग गवर्नमेंट ने उस वक्त की गवर्नमेंट ने सोचा है ना उसके वक्त की गवर्मेंट जो थी वो थी उसके उसके अंदर नरसिम्हा राव थे ठीक है नरसिम्हा राव ने सोचा कि यार ऐसे तो फिर हम लड़ते रहेंगे तो उस वक्त एक एक्ट एक पास करा गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ठीक है अब इस एक्ट में क्या था ऐसा ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट कैन नॉट ऑर्डर ए ब्लैंकेट स्टे ऑन द वर्शिप एक्ट प्लीज वर्शिप एक्ट प्लीज के ऊपर ये एक ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकती इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑब्जर्व करा अभी ये चीज़ तब समझ में आएगी जब आपको प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट समझ में आएगा तो देखो उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ऐसे तो बहुत रिलीजियस राइट्स होते रहेंगे है ना कोई कोई मस्जिद गिराएगा ठीक है फिर कोई मंदिर गिराएगा फिर मस्जिद गिराएगा तो एक काम करते हैं हम वंस फॉर ऑल इस इशू को ख़त्म कर देते हैं तो ऐसे बोला गया फिफ्टीनथ अगस्त 1947 को जो रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है वही रहेगा अगर यहाँ मस्जिद है तो उसको मस्जिद ही मानेंगे उससे पहले का नहीं देखेंगे अगर यहाँ पर मंदिर है तो उसको मंदिर ही मानेंगे उससे पहले का नहीं देखेंगे ठीक है तो इस तरह से इसके अंदर बोला गया कि मस्जिद को मस्जिद ही माना जाएगा चेंज रिलीजियस करेक्टर चेंज नहीं होगा प्लेस ऑफ वर्शिप का ऐसा बोला गया फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन को जो केस है वो रहेगा अच्छा अब फिर उस वक्त फिर सर ये राम जन्मभूमि वाला केस कैसा आया राम जन्मभूमि वाला केस में तो फिर उसको मस्जिद को तोड़ के आ, वो बना दिया है मंदिर बना दिया राम मंदिर बना दिया वो केस कैसा आया इस एक्ट के अंदर ये लिखा था कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट के अलावा जो सारे के सारे हैं और कुछ एक्सेप्शन दे रखे थे उनके ऊपर उनका रिलीजियस करेक्टर चेंज नहीं होगा समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखो इट सीक्स टू मेंटेन द रिलीजियस करेक्टर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज इट वाज़ इन 1947 जो मैंने आपको बताया 15 अगस्त 1947 एक्सेप्ट क्या है एक्सेप्शंस केस ऑफ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट के अलावा जो भी केस है उसका जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं उनका रिलीजियस करेक्टर चेंज नहीं होगा ठीक है

अपील्स और अदर प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग कन्वर्टिंग द करेक्टर ऑफ द प्लेसिस ऑफ वर्शिप ठीक है दैट वर पेंडिंग ऑन द फिफ्टी अगर नाइनटीन विल सेवन टू एन एंड कोई भी ऐसा पहले से कुछ कोर्ट के अंदर जा रखा हो तो आपको वो सब एंड हो जाएगा जैसे मान लीजिए कृष्ण जन्मभूमि वाला केस जा रहा हो या फिर काशी वाला केस जा रहा हो काशी विश्वनाथ मंदिर वाला केस जा रहा हो तो वो सब जो होगा वो सब uh, फिनिश हो जाएगा विल कम टू एन एंड वेन द एक्ट कमेंस एंड नो फ्रेश प्रोसीडिंग कैन बी फाइल और उसके ऊपर कोई कोर्ट केस भी नहीं करता तो अभी जैसे कृष्ण जन्मभूमि वाला केस हो रहा है ना तो उसमें ऐसे बोला जा रहा है कि भाई प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो गया क्योंकि वहां पर एक ज्ञानव्यापी मस्जिद जो है ठीक है उसके अंदर एक पोर्शन में कह दिया कि भाई आप पूजा कर सकते हैं तो उसमें भी मुस्लिम जो है मुस्लिम साइड जो है वो बोलती है कि नहीं नहीं ये तो प्लेसेस ऑफ तो वर्शिप एक्ट का वायलेशन हो गया तो ऐसे चलता रहेगा अभी चार पाँच साल तक आप देखेंगे तो ये प्लेसेस ऑफ तो वर्शिप एक्ट या तो पूरा ही हट जाएगा

आई होप दिस इज क्लियर इसमें कुछ exemptions हैं वो मैं आपको बताता हूँ जैसे अयोध्या वाला डिस्प्यूट जो है वो एग्जैम्पन था और यहाँ पे लिख रखा है कोई भी आ, आमसार के अंदर ठीक है आमसार मतलब एंशेंट मोन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंदर कोई आ रहा है तो वो उसके अंदर नहीं आएगा उसको एग्जाम्ट करा जाएगा ए सूट दैट हैज बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज ऑफ कोई केस है वो फाइनली सेटल्ड हो गया और डिस्पोज ऑफ हो गया तो वो इस एक्ट के एमबिट से बाहर रहेगा और एनी डिस्प्यूट दैट हैज़ बीन सेटल्ड बाय द पार्टी और द

एस स्कीम इसको समझना पड़ेगा ठीक है तो हम पहले इस स्कीम को समझ लेते हैं फिर आपको इसको समझा दूंगा मैं ठीक है तो एम पी एल ए स्कीम क्या है देखो देखो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ठीक है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एम पी एल ए स्कीम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है ठीक है तो इसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम ठीक है अब मैं मान लो किसी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हुआ और मैं एमपी बन गया अब एम बन गया सरकार अपना काम कर रही है पर मेरे लोग मेरे से बोलेंगे ना कि भाई आपने तो वादा करा था ये सड़क बनवा दो ये कुआ खुदवा दो ये सब काम कर दो तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल मेरे पास भी कुछ पावर होनी चाहिए कि मैं भी कुछ काम करा सकूँ सरकारें तो करा ही रही है सरकार तो करा ही रही है काम मैं भी कुछ काम करा सकूं एक तो ये तरीका है कि मैं सरकार के पास जाऊं हाथ फैलाऊं कि भाई सरकार मेरे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ कर दो एक तरीका ये है कि मेरे पास खुद के पास कुछ पावर हो अब मेरे पास क्या पावर है मेरे पास ये पावर है एम पी स्कीम के अंदर कि पांच करोड़ रुपए का काम मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर करा सकता हूँ ठीक है ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर एम पी कॉन्स्टिट्यूएंसी इज फाइव करोड़ रुपीज फाइव करोड़ रुपीज का काम मैं करा सकता हूँ तो अब मैं था लालचे आदमी मैंने कहा ये सही है पांच करोड़ रुपए सीधे मेरे जेब के अंदर आएंगे और मैं क्या है पूरे पूरे पैसे को खा जाऊंगा और डकार भी नहीं मानूंगा गवर्नमेंट ने बोला भाई इतने पागल नहीं है हम आपको पांच करोड़ रुपए दे रहे हैं तो आपकी जेब में नहीं आएंगे वो तो क्या होगा तो देखो यहां पर यहां पर समझो बट दिस अमाउंट इज नॉट डिसबर्स डायरेक्टली टू द एम पी एम पी के डायरेक्टली जेब में नहीं आ रहे बट टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऑफ द चूजन डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो होगा उससे एमपी बोलेगा भाई वो जो मेरे पांच करोड़ रुपए मेरी जेब में ना डाल के तुम्हारी जेब में डाले उससे ये काम कर दो समझ में आ रहा है तो आपसे पूछा जाएगा कि पैसा क्या एम पी की जेब में जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के का पैसा तो आप सोचेंगे यार ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है तो हाँ भाई एमपी की जेब में जाएगा नहीं जाएगा तभी तो एम पी परेशान हो गया पहले देखो कितना खुश था फिर उसको पता चला रही मेरी जेब में तो जाएगा ही नहीं ठीक है तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन अब देखो इसके अंदर आ, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं ना वो क्या होता है लोकसभा के हो सकते हैं ना राज्यसभा के और इलेक्टेड मेंबर्स हो सकते हैं राज्यसभा के राज्यसभा के अंदर दो होते हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड तो तीन तरह के अपने एक तरह से क्या हो सकते हैं एक तरह से तीन तरह के हमारे मेंबर्स हो सकते हैं नॉमिनेटेड इसमें भी हो सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो सकते हैं ठीक है तो नॉमिनेटेड लोकसभा के अंदर भी दो नॉमिनेटेड होते हैं है ना और राज्यसभा के अंदर तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बारह नॉमिनेटेड होते हैं पर लोकसभा के अंदर से अब दो नॉमिनेटेड वाले जो थे उनको हटा दिया गया है ठीक है वो एक अलग करंट अफेयर्स है तो उसको पढ़ाएंगे लोकसभा के अंदर अब देखो मेंबर्स कैन रिकमेंड वर्क विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा के अंदर मेंबर्स जो होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करवा सकते हैं इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं ठीक है थीके? अच्छा राज्यसभा के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स है ना वो क्या कर सकते हैं वो पूरी स्टेट के अंदर जैसे मान लीजिए राजस्थान स्टेट के अंदर कहीं भी करा सकते हैं राजस्थान स्टेट ये तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कराएंगे मैं मान लीजिए कहीं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुआ हूँ तो लोकसभा का जो मेंबर है वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करा सकता है पाँच करोड़ का राज्यसभा का जो एम है इलेक्टेड एम वो पूरे पूरे स्टेट के अंदर कहीं पे भी करा सकता है और नॉमिनेटेड जो मेंबर है लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों के जो नॉमिनेटेड मेम्बर्स हैं वो कहीं भी देश के अंदर कहीं भी काम करा सकते हैं जैसे सचिन तेंदुलकर थे तो सचिन तेंदुलकर नॉमिनेटेड थे पहले है ना नॉमिनेटेड मेंबर तो वो कहीं पे भी करा सकते हैं देश के अंदर जबरू नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में या फिर अपनी स्टेट में कराएं कहीं पे भी करा सकते हैं तो नॉमिनेटेड मेंबर कहीं पे भी करा सकते हैं इलेक्टेड मेंबर जो होंगे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करा सकते इलेक्टेड मेंबर अगर राज्यसभा का होगा तो वो अपनी स्टेट में कराएगा और इलेक्टेड मेंबर अगर लोकसभा का होगा तो वो अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में कराएगा ठीक है क्लियर है तो देखो लोकसभा मेंबर्स कैन रिकमेंड वर्क विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंसी ठीक है इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन रिकमेंड वर्क विद इन द स्टेट ऑफ इलेक्शन नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ द राज्यसभा एंड लोकसभा कैन रिकमेंड वर्क एनी वेयर इन द कंट्री कहीं पर भी कर सकते हैं ठीक है अब मान लो जी मान लीजिए एक इसमें एक लोचा और है कि अगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यसी स्प्रेड ओवर मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट एक डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा होगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज ए नोडल डिस्ट्रिक्ट इन हजर कॉन्स्टिटुंस कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा ऐसे हो सकती है ना कॉन्टिट्युएंसी बड़ी है जिसमें तीन डिस्ट्रिक्ट आ रही है तो अब मैं किस में काम करूँ किसके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास पैसा जाएगा तो मैं कोई भी एक चूज कर लूँ इसमें से भाई इसमें मेरे को काम करवाना है ठीक है उस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन के जेब में नहीं जा रहा है पैसा सबसे पहले तो ये समझो किसके पास जा रहा है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जा रहा है ठीक है तो देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिकमेंड वर्क अब ऐसे काम चल, काम चलता है इसके अंदर वो रिकमेंड करेगा कि भाई ये वाला काम है ना हमको कॉन्स्टिटुएंसी में ये कराना है फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बोलेगा अच्छा वो सेंक्शन करेगी और सेलेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन फिर कंप्लीटेड एंड ऑन वर्क लिस्टेड एट द डी ऑफिस ठीक है एम पी गवर्नमेंट इसके अंदर जाएगा सिटीजन कैन फाइल आर इसके बारे में पूछ सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिटिक अच्छा ये जो स्कीम है पूरी मौसपी के अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ठीक है ये पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगी ये फिर पांच करोड़ रुपीज एनुअली रिलीज करेगी इन इंस्टॉलमेंट ऑफ टू पॉइंट फाइव करोड़ डायरेक्टली टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ठीक है और फिर मॉनिटरी मॉनिट्री इसके अंदर रखेंगे तो देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल गिव हिज चॉइस ऑफ नोडल डिस्ट्रिक्ट इन एन नेक्शन वन ऑफ गाइडलाइंस टू द मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी ठीक है स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस तरह से इसको अंदर करना है राइट मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट को ये सब चीजें तो आई होप दिस इज क्लियर आपको समझ में आ गया मेंबर मेंबर ऑफ ऑफ पार्लियामेंट टेरियन पार्लियामेंट जो होगा ना वो क्या कर सकता है वो किसी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से बोल सकता है कि भाई मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या करो आप काम कराओ पांच करोड़ रुपए का ये काम है ये करा दो अच्छा अब अपन समझ गए लोकसभा का अगर हुआ तो अपनी कॉन्स्टिटी में कराएगा राज्यसभा का इलेक्टेड हुआ तो वो क्या करेगा वो पूरे स्टेट में करा सकता है और जो नॉमिनेटेड है लोकसभा और राज्यसभा के वो कहीं पे भी पूरे भारत में करा सकते हैं ये तीन चीज तीन चार चीज़ें याद करनी है मॉसपी मिनिस्ट्री याद रखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इज़ द नोडल मिनिस्ट्री अब देखो एम पी एल ई डी ये वर्क होता है कैलॉमिटीज़ लाइक फ्लड साइक्लोन इस तरह के काम करा सकते हैं ठीक है क्लाउड बस्ट हो गया पेस्ट अटैक हो गया लैंड स्लाइड हो गया तो इसके अंदर भी ये काम कर सकते हैं एम पी एल ए के अंदर पांच

ठीक है इसके अलावा एक और फैक्ट है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वुड बी वुस्पॉसिबल फॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन ऑफ द द द वर्क अंडर स्कीम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इंस्पेक्ट ऑफ द द वर्क अंडर एवरी ईयर ठीक है तो अब ये तो बात समझ में आ गई सर एम स्कीम क्या है अब हमारा जो करंट अफेयर था उसकी तरफ चलते हैं ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन अब देखो ये ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन बहुत सही चीज है एम फंड में कितना पैसा लग रहा है कहाँ लग रहा है पता होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ये सब चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए इसके लिए इन्होंने क्या करा एक मोबाइल एप्लीकेशन बना दी जैसे मैं बता मैं मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन ठीक है मैं क्या कहूँगा कि भाई मैंने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को बोल दिया तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने मेरा काम करा नहीं करा अब मैं बार बार उसके पास फोन करूँ फोन उठा रहा है कभी नहीं उठा रहा काम कितना प्रोग्रेस में है कितना नहीं है राइट तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है क्या उसको कुछ मेरे से चाहिए उसने लिख कर दे दिया मेरे पास पहुंचा नहीं तो इसके लिए एक तरह से मोबाइल ऐप ही बना दी वही इसमें बात कर लो तो इसमें इंटरेक्ट कर लो इसमें कोऑर्डिनेट कर लो इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इजी हो जाएगा जिससे स्विफ्ट डिसीजन मेकिंग हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ होगी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी एमपी को पता होगा कि बजट में कितना पैसा है बजट एक्सपेंडिचर भी इसके अंदर होगा बजट में कितना पैसा है और एम पी मोनिटर कर पाएगा कि किस तरह का एक्सपेंडिचर और इसके अंदर करना चाहिए आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन बिल्कुल सिंपल चीज़ है आपको सबको समझ में आ रहा होगा तो ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन इस काम की अब मैं पहले ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन पढ़ा था आपको फिर एम पी एल ए डी स्कीम पढ़ा था तो आपको समझ में आता नहीं अब आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा मोबाइल ऐप वुड ऑफर कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी अलोंग एम टू प्रोपोज ट्रैक ओवरसीज द प्रोजेक्ट एट दिय फिंगर टिप्स ठीक है द रियल टाइम एक्सेस एनहानिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना एप्लीकेशन विल स्ट्रीम लाइन द कम्युनिकेशन बिटवीन एम पीज़ एंड रेलिवेंट अथॉरिटी बार बार में फोन नहीं करना पड़ेगा आराम से व्हाट्सअप ग्रुप की तरह बात करो मोबाइल एप्लीकेशन विल प्रमोट ट्रांसपेरेंसी बाई प्रोवाइडिंग एम पीज़ विथ इंस्टांट अपडेट प्रोग्रेस के ऊपर अपडेट होगा उनका मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ अ फीचर फॉर द बजट मैनेजमेंट एंड जोरिंग एम पीज़ कैन मॉनिटर एक्सपेंडिचर ठीक है सब ये समझ में आ गया ये साक्षी हो गया एम पी एल एडी स्कीम हो गई अब नेक्स्ट इज bent to wrong ठीक है bent to wrong क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं अभी bent to wrong इसलिए है कि वो बैटिंग फॉर एग्जॉटिक मीट गैंबलिंग डांस इन द मणिपुरी डिसेंट्स फर्दर इनटू इल्लीगलिटी ठीक है इसको इल्लीगल तरीके से इसको मारा जा रहा है ये bent to wrong है ठीक है bent to wrong को bent to wrong also known as bear cat ये बियर जैसा भी लिख रहा है देखो भालू जैसा और कैट जैसा भी है है ना बियर कैट इसको बोला जाता है और कैट बियर बोला जाता है ये क्या है एक तरह से डेंस फॉरेस्ट में मिलता है डेंस फॉरेस्ट में है ना लोगों पे भरोसा नहीं है इसको इसलिए जंगल में डेंस जंगल में छुपा रहता है ये दोनों खाता है हरबी बोरस भी होता है ठीक है और कार्डि वो भी होता है मतलब ये ओमनी बोरस है समझ में आ रहा है आप देख रहे हैं इसके थोड़े थोड़े बाल छोटे छोटे से बाल है ना टफ हेयर्स छोटे से बिल्ली जैसे कान ठीक है लॉन्ग बुशी प्रीस टेल प्रील टेल अब यहाँ पर आप देखो इट एज लॉन्ग हेयर एंड ए लॉन्ग बुशी टेल ठीक है नोन एज बियर बियर कैट और तो ओमनी वोरस होता है फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया द कलर जनरली इज ब्लैक ब्लैक कलर होता है विद स्प्रिंकलिंग ऑफ वाइटिश हेयर थोड़े थोड़े से वाइट हेयर इसमें आपको इसके अंदर दिख रहे होंगे ठीक है द बिं टू नॉक्टर्नल रात में जगता है एंड क्रीप पर्स्कुलर ठीक है मतलब दिस दैट इज एक्टिव ड्यूरिंग द ठीक है इट इज फाउंड मोस्ट ऑफन अमंग द ट्रीज यूज यूजिंग इट्स टेल एज एन एड इन क्लाइंबिंग चढ़ने के काम आती है पूछ ठीक है इट फिट्स एज फिक्स बट इट ऑल्सो टेक्स एग्स एंड द स्मॉल एनिमल्स ठीक है है ना इसलिए इसको बोला जाता है कि ये ओमनिवरस है इन सम एरियाज आर एरिया एंड हैव बीन रिपोर्टेड एज been affectionate पैड्स पैड्स बनाकर इसके अंदर कुछ एरियाज में रहते हैं ठीक है अब भाई जंगल की लकड़ियों पर चढ़ जंगल के पेड़ों पर पे चढ़ते रहता है पेड़ ही नहीं बछेंगे तो बेचारों का हैबिटाट लॉस होगा हैबिटाट लॉस ड्यू टू लॉगिंग एंड एग्री बिजनेस स्पेशली द ऑयल पाम इंडस्ट्रीज इट इज़ ऑल्सो हंटेड फॉर द बशमीट बुशमीट ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड द पैट ट्रेड ठीक है इसके लिए भी ये होता है और इसके कारण इनका स्ट्रक्चर अब देखो ये बियर भी है और कैट भी है सोच के देखो कोई बियर भी है और कैट भी है बियर कैट बोलते हैं ना तो उसको सब चिढ़ाते हैं अरे तू तो बियर है कोई बोलता है अरे तू तो कैट है बियर कैट ऐसे ऐसे इसको चिढ़ाते रहते हैं तो इसकी हालत है वल्नरेबल ये वल्नरेबल है तो आप देखो इट्स रेंज एक्सटेंड फ्रॉम द नेपाल इंडिया एंड भूटान साउथवर्ड टू इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ सुमत्रा एंड जावा ईस्टवर्ड टू ब्रोनो बॉर्डियो ठीक है और आयुसियन रेड लिस्ट के अंदर इसका जो स्टेटस uh, है वो है वल्नरेबल स्टेटस सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ये बिन रॉन्ग ये हो गया अब देखो आपको याद भी हो गया अगर आपने ध्यान से सुना होगा ना तो चीज़ें आपको लर्न भी हो जाएगी इसके अंदर साथ साथ ठीक है चलो यहीं पे हम एंड करते हैं हम आपको बताना चाहते हैं बहुत सारे मॉड्यूलर कोर्सेज हमने लॉन्च करे हुए हैं भाई अगर तुमको पॉलिटी में दिक्कत हो पॉलिटी का कोर्स लो हिस्ट्री में दिक्कत है हिस्ट्री का कोर्स लो ठीक है आपको अगर ज्योग्राफी में दिक्कत है ज्योग्राफी का कोर्स लो इथिक्स में दिक्कत है इथिक्स का कोर्स लो सारे कोर्सेज मैंने अपनी भाषा के अंदर बहुत आसान वे के अंदर बनाए हुए हैं आप देखो इन्जॉय करो लो कॉस्ट पे हाई क्वालिटी के बैचेस मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं ठीक है जिसमें स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स भी होंगे जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे आप यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल रिलेशन का तो बहुत ही मस्त कोर्स बना रखा है ज्योग्राफी का भी है एनवायरमेंट इकोलॉजी का भी है बस अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहें धीरे धीरे जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहे राइट सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज क्लास थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो काइंडली है ना बाय बाय बाटिक के और करंट अफेयर्स की टेंशन मतलब हो जाएंगे डोंट वरी